आज मैं लेकर आया हूँ 5-star होटल शांग्रीला से 400 रुपए का वड़ा पाव। क्या 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 क्या? इसके साथ साथ एक मीडियम रेंज के होटल से हम 100 रुपए का वड़ा पाव और एक सबसे सस्ते होटल से हम 10 रुपए का वड़ा पाव भी लेकर आए हैं, ये देखने के लिए कि भाई मतलब मुंबई से बेटर वड़ा पाव क्या 5-star में मिलता है। चलो भाई, 10 रुपए का मतलब सबसे चीपेस्ट वड़ा पाव। मेरा मतलब मुंबई में भी जब वड़ा पाव मिलता है ना, हम तो दिल्ली में खा रहे हैं, सबसे सस्ता वड़ा पाव कितने का मिलता है? 5 रुपए का, 7 रुपए का, नहीं तो 10 रुपए का। मतलब मुंबई की तो नेशनल डिश है भाई वड़ा पाव। मेरा मतलब किसी भी भूखे को अपने पेट भरने के लिए अगर कोई भी डिश चाहिए ना, तो वड़ा पाव से बेटर कोई डिश मेरे ख्याल से एग्जिस्ट नहीं करती। अग्री करते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो वड़ा पाव, दो पाव उसके बीच में एक वड़ा दबा देते हैं और थोड़ी सी हरी चटनी और लाल चटनी लगा देते हैं, हाय हाय हाय। उसके बाद जो तैयार होता है ना, वो वड़ा पाव तैयार होता है। और साथ में कॉर्नफ्लेक्स वाले हमें फाफड़ा भी मिले हैं, कमाल की डिश लग रही है। चलो इसे टेस्ट करते हैं। ये है 10 वाला वड़ा पाव। हाँ भाई, एकदम नेचुरल, एकदम ऑर्गेनिक वाला टेस्ट है। मतलब एक्चुअल टेस्ट वड़ा पाव का ऐसा ही होना चाहिए यार। ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वड़ा पाव, इसे बेटर मेरे ख्याल से एग्जिस्ट नहीं करता यार। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए 100 वाला दिखा देते हैं। वैसे गाइस, आप जानते हो वड़ा पाव बनने की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे भजिया मिले करते थे या फिर पाव मिला करते थे, ये दोनों चीजें कभी साथ में नहीं आई थी। और मुंबई में एक अशोक नाम की दुकान है, उन्होंने भाई इस चीज का फ्यूजन करा। उन्होंने सोचा पाव को अगर हम भजिए से या फिर वड़ा से कर दे और एक कमाल की डिश बनाए वड़ा पाव। और मेरे ख्याल से उनको बाद में उस टाइम के मुंबई के सीएम ने अवार्ड भी किया था, राइट राहुल? पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। और आज की डेट में मेरे ख्याल से मुंबई की सबसे ज्यादा सेलिंग डिश होगी वड़ा पाव। और ये देखो, हम जो दिल्ली से वड़ा पाव लेकर आए हैं, ये है झक्कास पाव भाजी का वड़ा पाव। ये 100 रुपए का वड़ा पाव, और ये नॉर्मल वड़ा पाव नहीं है, ये चीज वड़ा पाव है मेरे भाई। वड़ा पाव में भी दिल्ली वालों ने अपना ट्विस्ट डाल दिया। लेकिन मैं तो एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि भाई 400 रुपए के वड़ा पाव में क्या बातचीत होगी। वीडियो में जानने के लिए बने रहो आप, अभी 100 रुपए वाला वड़ा पाव। यार मेरे को लगता है जो चीज जैसी बनी गई है ना, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये जो वड़ा पाव था ना, ये था यार वड़ा पाव का टेस्ट, ये लग रहा था कोई चीज। मतलब खाने के बाद भी, मतलब दोबारा बंदे को खाने का मन भी करे। लेकिन एक चीज डाल के, अलग अलग मसाले डाल के, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके जो उसका चमत्कार कर रहे हैं ना ये लोग, ये अच्छी चीज नहीं है। वैसे गाइस, मुझे पता क्या लगता है, जैसे मुंबई वालों के टेस्ट में वड़ा पाव बस चुका है ना, दिल्ली वालों के टेस्ट में वड़ा पाव बसने में अभी बहुत टाइम है। राहुल पता क्यों? क्योंकि जब तक ये वड़ा पाव को इस तरीके से बेचते रहेंगे ना, यहाँ कोई नहीं खाने वाला। क्या करो, इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की एक लेयर लगाओ और सारे को तेल में डाल दो, समझ रहे, कुरकुरा वड़ा पाव। क्या करो, इसके ऊपर मैरिनेशन लगाओ, तंदूर में डाल दो, तंदूरी वड़ा पाव, चॉकलेट वड़ा पाव, तब बिकेगा दिल्ली में। मस्त प्लान है। हमें तो मजा नहीं आया मीडियम वाले वड़ा पाव, लेकिन मेरी उम्मीदें तो अभी भी बरकरार है 5-star होटल शांग्रीला के 400 वाले वड़ा पाव पे। आइए देखते हैं मजा आएगा। एक डब्बा, ऑलराइट। और हमारे पास बिल, 1 वड़ा पाव 300 एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स मिला के 400 रुपए। सबसे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, आप कितने वाला वड़ा पाव डेली खाते हो? तो बड़ी फटीचर हालत में आया यार, ये 400 रुपए का वड़ा पाव, 400 रुपए का वड़ा पाव। ऐसा लग रहा है वड़ा जला हुआ है, चटनियां दम तोड़ गई हैं, मिर्ची को जबरदस्ती उधर फंसाया हुआ है, और हर चीज कुछ ज्यादा ही ऑयली लग रही है। मेरे को कसम से फीलिंग आ रही है इन्होंने पीछे वाली दुकान से वड़ा पाव उठाकर हमें इसके अंदर डालकर दे दिया। तो आपको इसकी शक्ल देखकर कहीं से भी लग रहा है कि ये 400 रुपए का वड़ा पाव, मतलब किसी को भी आप ये 400 का बेचने जाओगे ना, वो आपके मुंह पे दो जूते मारकर आपको भगाएगा। ये 400 रुपए का वड़ा पाव लग रहा है कि कहीं से 400 रुपए में मैं एक महीने का अपने घर पे पानी का बिल भर सकता हूँ, और तो और 400 रुपए में मैं मतलब न जाने कितनी चीजें कर सकता हूँ यार मैं 400 रुपए में। इस पे तो मैं नहीं खर्च करूंगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इसका टेस्ट इस 10 वाले से बेहतर है कि नहीं। आइए। Oh my God! This is the worst. मेरे ख्याल से अपने 5-star के शेफ को ना, ये मेरे गली के वड़ा पाव वाले भैया से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि भाई ये लिटरली जला हुआ दिख नहीं रहा था, ये जला हुआ ही है। और इसका टेस्ट ऐसा है जैसे पुराने बासी आलुओं को एक वड़े की फॉर्म में डालकर उसको गंदे तेल कढ़ाई से निकाल दिया है। भाई इससे बुरा वड़ा पाव मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। मतलब आप मानोगे, मेरे को अपना टेस्ट सुधारने के लिए इसका वड़ा पाव खाना पड़ेगा यार। बाकी भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, 5-star के टोटल में आप प्लीज ना पड़िए, और अपने 400 रुपए में 40 दिन तक ये 10-10 वाला वड़ा पाव खाइए। इस पे अपना पैसा मत उड़ाइए। मैं आपको ये वीडियो में बनाता ही समाज के भले के लिए हूँ, ताकि आप लोग जागरूक हो। बाकी वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगली वीडियो का आइडिया कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम डिप्रेस्ड मैन।